नमस्कार अपने खास प्रोग्राम आम लोग के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ मुमताज खान आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पहलू पर जिस पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में माना है कि चार सौ ए का जमकर दुरुपयोग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग चिंता का विषय है इसके साथ ही कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है कि पुलिस मामले में आरोपी को अपने आप गिरफ्तार नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्रवाई करने का रवैया निंदनीय है जिस पर अंकुश लगना चाहिए कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दहेज प्रताड़ना मामले समेत सात साल तक की सजा के दड़ने अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी का सहारा न ले ऐसे में आप दर्शकों से हमारा सीधा सवाल है कि क्या दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए इसमें बदलाव लाने की जरूरत है जी हाँ ये है वो सवाल जो आप दर्शकों से पूछ रहे हैं हम इस शो के जरिए अगर दहेज विरोधी कानून में बदलाव आता है तो ये किसके हक में होगा इसके अलावा दहेज विरोधी कानून में बदलाव लाने से इसका दुरुपयोग रुक सकेगा क्या आप क्या सोचते हैं इस पर हमें अपनी राय जरूर दें हमारे फोन नंबर हैं जीरो वन टू जीरो फोर ट्रिपल सेवन नाइन वन सेवन और नाइन वन एट जी हां महिलाओं के हक हाँ के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई धारा चार सौ है यही हमारा आज का मुद्दा और इसी मुद्दे के तमाम पहलुओं पर खास में हम करेंगे हमारे साथ इसी पर चर्चाओं में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है आइए आपकी मुलाकात कराते हैं पहले मेरे साथ हैं स्वरूप सरकार साहब आप सेव फैमिली फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश पर और इनके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जावेद राहत खान साहब आप एडवोकेट हैं और आप मीडिएशन ऑफिसर हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत दन्यौन है हमारी इस खास पेशकश पर इनके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने वाली हैं आइए उनका भी स्वागत करते हैं आप सोशल एक्टिविस्ट हैं सामाजिक मुद्दों को वक्त पर उठाती रहती हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी आइए आपका स्वागत करते हैं अरुणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पर जी हाँ तो इसी पर है हमारे की आज की ये खास पेशकश चार सौ अट्ठानवे ए का दुरुपयोग जमकर हो रहा है हमारे देश में कैसे इसका दुरुपयोग रुक सकता है कैसे इस धारा को वर्दी या फिर इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है कैसे इस धारा के जरिए महिलाओं को सुरक्षा दी जाए बजाय इसके कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करें या तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं स्वरूप सरकार साहब आप ही का रुख करेंगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो धारा है चार सौ अट्ठानवे ए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी लेकिन कैसे ये बड़ा खतरा बन गई है अब पुरुषों के लिए खास तौर से अगर हम देखें तो देखिए ये खाली पुरुषों के लिए नहीं है हमारा हेल्पलाइन जो है उसमें सेवेंटी परसेंट कॉल हस्बैंड का मदर और सिस्टर का आते हैं जिसलिए सुप्रीम कोर्ट देखिए लॉ कैसे बना डाउरी के लिए लॉ हमारा पास था डी पी थ्री डी पी फोर है बहुत बढ़िया लॉ था वो लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं किया फोन नाइनटी एट में सुप्रीम कोर्ट है पहले बार नहीं बोला इसका पहले भी चार बार बोल चुके हैं ये पुलिस जो है अरेस्ट का पावर मिस करते हैं जोगिंदर शर्मा जजमेंट सुशील शर्मा जजमेंट प्रीति गुप्ता उसके बाद हमने पार्लियामेंट के पास गया जी सर इसको प्लीज आप रोकिए कि एक फंडामेंटल राइट है किसी को आप अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते एक भर्बल स्टेटमेंट का ऊपर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया सब पार्लियामेंट मिलके दिमाग लगाया कि उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो हम इसको बेलेबेल नहीं करते हैं हाँ, आप, आपको सी आर पी सी फोर्टी वन देते हैं जिसमें सात साल से जो काम साझा वाला केस है उसमें पुलिस पहले नोटिस देगा वो बंदा नोटिस में पुलिस स्टेशन में नहीं आए इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं करेगा तभी अरेस्ट करेंगे हमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया है उसके बाद जब ये हुआ हमने गवर्नमेंट में आर लगाया शोला स्टेट ने जवाब ही नहीं दिया एक साल से हमने गवर्नमेंट के पास दोबारा गया हमने बोला सारे कुछ नहीं हो रहा है देखिए जितना भी ओमन ऑर्गेनाइजेशन है एन सी डब्ल्यू डब्ल्यू सी डी के पास गया सर चार बार बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट अभी तो मिस यूज़ के लिए कुछ कीजिए बंद करने के लिए कुछ नहीं किया तो एक केसेस में जब हमारा मेम्बर्स लोग हमारा टीम हैदराबाद टीम जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हम ये सब तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट का सामने रखे हमने बोला देखिए जैसे फोर नाइनटी एट एक लॉ बनाया डाउरी एक लॉ बनाया लॉ ऑफ द लैंड है सीआरपीसी फोर्टी वन ये भी तो एक लॉ है ना लेकिन ये लॉ का कोई पालन नहीं कर रहा है सर इसका मतलब कोई इंस्ट्रक्शन भी इशू नहीं किया हाँ। गया तो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जी, एक मिला जो दिया है अट्ठानवे जो है उस धारा का इतना दुरुपयोग होने लगा इतना दुरुपयोग होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा उसमें दो लाख ढाई लाख हर साल बढ़ रहा है और हमारे पास एक रिपोर्ट है उसके जरिए बताएंगे की दरअसल चार सौ अट्ठानवे ए थी क्या और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या हुआ है आइए एक नजर डालते हैं बेबस महिलाएं दहेज की आग में न जले इसके लिए देश में सख्त कानून बनाया गया दहेज के खिलाफ जंग लड़ने में ये दहेज विरोधी कानून एक बड़ा हथियार जरूर साबित हुआ लेकिन इसका दुरुपयोग भी जमकर हुआ कई बेकसूर लोग आए दिन इस कानून की भेंट चढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का सबब बन गया है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कई मामलों में दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाए बल्कि जरूरी होने पर ही किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी अफसोस जताया है कि दहेज के तिरानवे फीसदी मामलों में सिर्फ पंद्रह फीसदी पर ही दोष साबित हुआ है और कई आरोप छूटे साबित हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्योंकि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है इसीलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं हालांकि दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके लेकिन कई बार लोग इसे बचाव की बजाय गिरफ्तारी के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साल 2012 में धारा चार ए के तहत एक लाख संतानवे हजार सात सौ बासठ लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से करीब एक चौथाई मामलों में पतियों की मां और बहनों की भी गिरफ्तारी की गई। कई मामलों में पति के बिस्तर पकड़ चुके दादा दादी और विदेश में रहने वाली बहन तक को निशाना बनाया जाता है जो की गलत है बहरहाल दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर सी बात है ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई इस कानून में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है और अगर इसमें बदलाव आता है तो वो किसके हक में होगा ब्यूरो रिपोर्ट जी हाँ तो धारा चार का लगातार हो रहा गलत इस्तेमाल वजह बना सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस सीधे गिरफ्तारियां नहीं कर सकती यही कहा है अब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा जी का करेंगे हम यहाँ पर अरुणा जी आप सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक मुद्दों से लगातार जुड़ी रहती हैं, है खासतौर से महिलाओं के किसी मुद्दे की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है अरुणा जी अगर ये धारा चार ए हटाई जाए या इसमें कुछ बदलाव किए जाए तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है हम तो ये कहेंगे कि चार सौ अट्ठानवे ए कानून जब बना वो केवल महिलाओं की रक्षा के लिए बना लेकिन कोई भी कानून जब बनता है वह कानून बनने से ही समस्या नहीं सुलझती है समस्या सुलझती है तब जबकि उसका किस तरह से पालन किया गया किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया अब ये जो नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी जजमेंट है क्योंकि कानून होता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड जब आप लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं तो यही बात होती है कि वो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए दोनों का ध्यान करने वाला हो दोनों को देखने वाला हो और किसी भी पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान घर में या देश में उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए 498 एक ए का ये जो जजमेंट है हम तो ये समझते हैं हालांकि मैं महिला हूँ और हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज़ हमें हमारी पसंद नहीं आए कि भाई हम इसके पक्ष में बात कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यही है कि एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए जब आप एक सुरक्षित समाज की कल्पना करते हैं उस तरफ ये एक सही कदम है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्त्री हो या पुरुष दोनों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से समाज की तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने दोनों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए और दरअसल इस पूरे मामले के दो पहलू बेशक हैं कि महिलाओं की भी सुरक्षा का सवाल है साथ ही पुरुषों के भी सेल्फ रिस्पेक्ट का उनकी भी सुरक्षा का सवाल है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा इसी पर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कोई कमी आएगी क्योंकि दोनों पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम एक छोटा सा ब्रेक फॉरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ और आइए जानते हैं कि इस धारा पर इस कानून पर आम जनता की क्या राय है इस देश की आइए सुनते हैं मुझे तो इस आज कोर्ट केस आदेश का मैं स्वागत करता हूं इस टाइप का आदेश करके आज जो गलत जो नाजायज डिसीजन हो रहे थे वो इसमें काफ़ी हद तक सही होंगे सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है कि उन्होंने इस विषय पर काम करने की कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बोलने के पहले सोचना था कि जब ये कानून नहीं आया था तब दहेज मांगने वालों की जनसंख्या कितनी थी हंड्रेड परसेंट विशेष होता है नाइन्टी परसेंट पक्ष तो हमेशा महिलाओं के भी में जाता है जो आदमी अच्छे होते हैं वो भी बेचारे फंस जाते हैं हंड्रेड परसेंट बदलाव की जरूरत है इसमें दोनों पक्ष का है लड़की और लड़के तो मैं तो दोनों पक्ष को मानता हूँ क्योंकि गलती दोनों पक्ष में होता है किसी एक पक्ष को जिम्मेदारी ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। इस कानून में इस बदलाव की जरूरत है कि दोनों पक्षों की बात सुनी सुनी जानी चाहिए कि क्या एक, केवल एक पक्ष की बात सुन के ही सारा फैसला कर देना ये क्या सही होगा इसमें महिलाओं को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं ससुराल पक्ष वाले इसलिए कानून को सख्त से सख्त दहेज प्रथा के प्रति कड़ाई करना चाहिए बदलाव की जरूरत तो होगी जब तक जनता के दिल में खुद नहीं आएगी ना बदलने की तब तक कुछ नहीं बदल सकते आप तो ऐसा एक अभियान चलाना पड़ेगा कानून तो सरकार ने बना दिया लेकिन ग्राउंड लेवल में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है दहेज का लेन देन होता है लड़कियों को इसके लिए जो है प्रताड़ित किया जाता है इसी कारण और और प्रॉब्लम लड़कियों को आती है और रीजन कुछ और बता दिया जाता है तो ये थी आम लोगों की राय धारा चार ए पर और सुप्रीम कोर्ट के इस नए डिसीजन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने की है धारा चार ए पर मेरे साथ जावेद राहत साहब खान मौजूद हैं आप एडवोकेट हैं साथ ही आप मीडिएशन ऑफिसर भी हैं जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है इस धारा पर आपको क्या लगता है इस डिसीजन के आने के बाद क्या कुछ बदलाव आ पाएगा अभी किन दिक्कतों का सामना करना मैं निश्चित रूप से इस जजमेंट का बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि ये समय की आवश्यकता भी है जी. कि ये जो कानून है जब जो भी कानून होते हैं अगर उससे हमें ऐसा लगे कि समाज में असमानता बढ़ रही है तो उसको समीक्षा उसके जरूर होनी चाहिए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर चर्चा की बातचीत चल रही थी और बहुत से जो लोग थे वो प्रताड़ित भी हो रहे थे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जजमेंट दिया है अच्छा एज़ ए मीडिएशन ऑफिसर मेरी अपनी राय ये है हालांकि मेरी जो मीडिएशन ऑफिसर उसके तौर पर जो ज़िम्मेदारी होती है उसमें यही होता है कि दोनों पक्षों को बुलाकर और ये समझा जाए कि समस्या की जड़ क्या है कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या कुछ और होती है उनके बीच में कुछ भावनात्मक कुछ परेशानियाँ होती हैं कुछ और मुद्दे होते हैं लेकिन उसको हथियार के तौर इस्तेमाल करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल अभी जो बदलाव हुआ है इस धारा में इस कानून में उसके बाद महिला सुरक्षा पे कोई फर्क पड़ने वाला है इससे आपको लगता है हाँ देखिए वैसे भी अगर हम इस चीज को मान के चले तो इन्वेस्टिगेशन तो होना भी चाहिए और वो निष्पक्ष होना चाहिए इस पे किसी की भी राय कभी ये नहीं हो सकती नहीं जांच नहीं होनी चाहिए तो जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसने ये नहीं कहा है कि किसी भी तरह से आ, मतलब कि अगर महिला ने कोई शिकायत की है तो उस पर जाँच न जाए या कुछ ना किया जाए स्वरूप सरकार साहब बिल्कुल पर पर ये भी सवाल बनता है फिर क्योंकि महिलाओं के लिए एक वेपन था एक हथियार था जो अब एक तरीके से उतनी शिद्दत के साथ उनके पास नहीं है तो महिला सुरक्षा पे सवाल भी उठता है इससे एक लॉ था टाटा फोटा आप भी जानते थे टेररिज्म रोकने के लिए बनाया गया था टेररिज्म रोका था ये जो लॉ आपने बनाया गया है देखिए जो है आपके पास डाउरी हेरा डी पी थ्री डी फोर लॉ है इस्तेमाल कीजिए उसका लेकिन इसमें क्या होगा जो लोग स्टेटमेंट में बिना कोई एविडेंस का लोगों को फंसा देते थे हाँ उनके लिए तो परेशानी होगा लेकिन जिनके पास एविडेंस है उनके लिए दरवाजा खुला इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला देखिए सुनिए सीआरपीसी फोर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं तो भी पुलिस को मजिस्ट्रेट को रीजन लिखना पड़ेगा सपोज लड़की कंप्लेंट किया उसके पास एविडेंस है उसका भी हक है पुलिस वाले को और जांच को पूछने का मेरा पास अरेस्टिडेंस किया है, है। कि अरेस्ट तो तो करना है नहीं करना है दोनों चीज एविडेंस करना पड़ेगा बिल्कुल जब चोरी चोरी डकैती होती है तो सबूत ढूंढे जाते हैं कल भी होता है तो हथियार जब्त किए जाते हैं महिलाओं के मामले में आपने बोल दिया तो ये जो भर्बल स्टेटमेंट के को ऊपर कोई भी लॉ क्रिमिनल बना देंगे तो मिस होगा इसलिए आप देखेंगे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में में जो मैरिज होते हैं वो सिविल लॉ दिया जाता है दूसरा गवर्नमेंट ने और ऑर्गेनाइजेशन में हमें और एक चीज बताया था जब डोमेस्टिक वायलेंस लॉ आया था पहले क्या बोलते थे फोर नाइनटी एट अवेलेबल क्यों नहीं करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस लॉ नहीं है जब डोमेस्टिक वायलेंस लॉ आया उसमें भी लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट इसमें पाया जाता है कोई गड़बड़ है तो फोर नाइनटी इंप्लीमेंट कर सकता है लेकिन होता क्या है कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक डाल दिया उसके बाद इधर एक मर्डर करता हूँ को कितना कोर्ट में, में, तो में, में जाओ सी आर पी सी में अलग कोर्ट के जाओ छह छह केस लगा रहे तो महिला का सुरक्षा मैडम आप छे, -छे लॉ लेकर परेशान कर लो एक लॉ में करो ना चले एक कॉलर जुड़े हमारे साथ फरीदाबाद से गोपाल नाम इनका गोपाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी बताइए क्या कहना चाहते हैं ये स्वरूप सरकार जी को मैं वहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ ये राइट एसोसिएशन के बारे अच्छे वक्ता हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नारी सुरक्षा जरूरी है कि नहीं क्या समाज में ऐसे लोग रहते हैं कि नहीं जो नारी को एक कमजोर एक सॉफ्ट सेक्स मानते हैं एक थप्पर मारो तो लुटक जाएगी क्या कर लेगी ये दूसरी बात है कि लोग की लोगों की मानसिकता बदले उससे पहले कानून बदल देना कहा तक ठीक है चोरी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है क्या और जो आ, इल्जाम लगाएंगी वो भी उनके उनके साथ यही व्यवहार होगा हत्या के लिए बरामद की जाती है हथियार इससे हत्या हुई है फिर वो इन्वेस्टिगेशन चलता है औरत क्या बोलेगी कि घर वाले ने मेरे गुजारे थी कौन सा हथियार वो बरामद होगा साहब ने उसे पड़ताड़ित किया कौन सा हथियार बरामद होगा ये तो मोटा मोटी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात गोपाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप सरकार जी से ही जवाब लेते हैं आपने कुछ सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर देखिए लॉ जो है सर का हिसाब से जो भी करते, आत्मी करते, कोई गलती करते।, तो कर तो करते नहीं उसको तो सजा ऐसे भी नहीं होगा आदमी फंसेंगे ना दूसरी बात देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी चार बार बोल चुके है जैसे आप बोल रहे हो डाउरी हेरेसमेंट के लिए आपके पास डीपी थ्री लॉ है आप शादी के टाइम लिस्ट बनाइए डाउरी एक्सचेंज नहीं वो आप पालन नहीं करते हैं जैसे देखो स्मगलिंग रोकने के लिए जब स्मगलिंग होता है उसको पकड़िए ना जो शादी में जाते हैं जो डाउरी पोबिशन ऑफिसर अपॉइंट कीजिए जब शादी में डाउरी होता है उसको कैप्चर कीजिए वो तो आप करेंगे नहीं क्यों आपको चाहिए अच्छा पैसा वाला हस्बैंड शादी के जब टूट जाते हैं हस्बैंड से आप पचास लाख तीस लाख का मांग करते हैं वो क्या रिवर्स डाउरी नहीं है तो देखिए गलत जो है मेन दोनों गलत होता है ना औरत के बगैर ना मर्द के बगैर अगर औरत के साथ गलत है वो भी नाजायज है मर्द के साथ गलत हो रहा है तो वो भी नाजायज है अरुणा जी मौजूद है मेरे साथ उनका रुख करेंगे अभी हम यहाँ पर अरुणा जी सुप्रीम कोर्ट के इस बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद क्या आपको भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि इसके बाद महिला सुरक्षा कमजोर हो जाएंगी महिला सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हो जाएंगी हम तो ऐसा नहीं समझते कि महिला सुरक्षा जो है कमजोर हो जाएगी ये महिला सुरक्षा उन्हीं की कमजोर हो सकती है जिनको ईगो प्रॉब्लम है जिनको अभिमान है अपने रुतबे का और समाज में अपने स्थान का जी अगर उस उन चीजों को आप एक तरफ रखें और परिवार को एक तरफ रखें जो भी स्त्रियां इसका मिसयूज करती हैं हम ये उनके लिए कह रहे हैं कि उस चीज़ को अलग रखें और परिवार को अलग रखें क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये नहीं कि भी खाली पत्नी के रहते जो है परिवार चलता है पत्नियां इस बात को खाली ये समझें कि हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि पुरुष उसके साथ क्या होगा कि पुरुष को भी ये समझना चाहिए जी अरुणा जी एक और अहम सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो गलत इस्तेमाल हो रहा है इस धारा का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है उसके मुकाबले वो मामले कम है जब सही में इस तरह की शिकायतें आती हैं महिलाओं की तरफ से तो चलिए जो गलत इस्तेमाल कर रही है उन पर तो बंदिशें लग जाएंगी लेकिन जो महिलाएं सच में परेशान हैं जिनकी तादाद कहीं ज़्यादा है उनका क्या होगा उन्हें तो मेरे ख्याल से इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये इस कानून में पुलिस को जो है अपने अधिकार व्यक्त करने का और किसी तरीके से जो भी अक्यूज्ड है उसकी पूरी छानबीन के बाद ही वो उसकी रिपोर्ट लिखेंगे जी। और उसके बाद जज बैठे हैं मजिस्ट्रेट बैठे हैं वो भी उसको देखेंगे कि भाई पुलिस ने अपना काम किया ये यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है जी। अगर पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा है बिल्कुल आर्ना जी बिल्कुल सही कहा आपने पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती है ऐसे में एक कॉलर हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं उनसे जरा जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं जी नमस्कार संपर्क टूट गया लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर ब्रेक से लौटेंगे तो इसी खास पेशकश पर अपनी खास चर्चा को जारी रखेंगे जल्द लौट रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और इससे पहले कि अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं आइए कुछ और जानकार लोगों की राय आपको सुनवाते हैं आज सिर्फ डाउरी केसेस में नहीं और भी बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के बाद तुरंत जिसके खिलाफ भी आरोप होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अरेस्ट तभी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर या तो ये खतरा हो कि अक्यूज भाग जाएगा ट्रायल नहीं फेस करेगा इन्वेस्टिगेशन नहीं फेस करेगा या फिर एविडेंस को मिटा देगा पुलिस बहुत बेधड़की से 498 ए का इस्तेमाल कर रही है और लिबरली लोगों को अरेस्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि 498 ए का मिसयूज नहीं होना चाहिए और इसमें जो अरेस्ट होनी चाहिए वो सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी में जो नौ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको चेक करके उस चेकलिस्ट के बाद ही अरेस्ट किया जाना चाहिए जो भी ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट सात साल या उससे कम है उसमें बिना जो पुलिस ऑफिसर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है बिना रीजन्स रिकॉर्ड किए हुए डायरेक्टली एकदम से जाके अरेस्ट नहीं कर सकता है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उस रीजन्स को जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कंसीडर करेगा उसे लगता है ये रीजन्स वैलिड है तभी अरेस्ट के लिए परमिशन दे सकता है तो चलिए यह है अलग अलग लोगों की राय इस धारा को लेकर जावेद रात खान साहब आपका रुख करेंगे यहाँ पर हम आप मीडिएशन ऑफिसर भी हैं दरअसल इस धारा में बदलाव की जरूरत थे इस कानून में बदलाव की जरूरत है क्योंकि चार सौ ए के तहत जितने मुकदमे दर्ज किए जाते थे उनमें सजा महज दो फीसदी हो पाती थी लेकिन इसके बाद समझौते का भी प्रावधान नहीं है तो जो वर पक्ष जो है वो समझौता भी नहीं कर सकता

और जड़ एक्चुअली म्यूजिशियन का मतलब ये होता है कि हम उस समस्या की जड़ में पहुँचें कि उन दोनों के बीच जो विवाद हुआ वो कोई भावनात्मक रिश्ते की वजह से हुआ कुछ मतलब कुछ और गलत फहमियाँ हुई थी तो कम से कम एक मौका ज़रूर दोनों पक्षों को मिलना चाहिए कि अपनी बात रख सकें और अगर कुछ हल निकल सकता है क्योंकि देखिए भारत में क्या है कि संस्कारों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है भारतीय संस्कृति है हम उसकी दुआई देते हैं अब जनरली होता क्या है कि अगर किसी परिवार से ये कहा जाए कि आप, आपने ये दहेज दिया ही क्यों तो दहेज की जो पिटिशंस होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि हमने अपनी हैसियत से बढ़ के दिया तो हर चीज़ का एक एक, एक क्राइटेरिया भी होना चाहिए अगर ये कानून में ये है कि दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध है तो जाहिर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि आपने दहेज दिया ही क्यों अगर ऐसी जगह आपको लग रहा था कि भाई दहेज मांगने की बात है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए बल्कि इसमें मैं एक व्यवहारिक एक उदाहरण देना चाहूँगा या एक व्यवहारिक उसका हल है कि जो हर शादी को एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आप कनेक्ट कर दीजिए और वहाँ पर उनसे शपथ पत्र लीजिए और बाकायदा इस चीज़ की गारंटी हो कि वहाँ वो लिख के दें ना दहेज लिया जाएगा ना दहेज लिया जा रहा है मतलब तो वो एक एटलीस्ट वहाँ तो उसका घोषणा पत्र हो जाएगा तो बाद में जब वो समस्या आती है कि साहब हमने ये लिस्ट दी थी और हमारे इतनी इतना सामान था वो आप उसी वक्त दीजिए अपने घोषणा पत्र में जैसे आज के इलेक्शन लड़ने से पहले

ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वर पक्ष को अपना साइड जो एक्सप्लेन करने के लिए अपनी स्थिति बताने के लिए कि ये किस तरह से हो रहा है सबसे पहले जैसे मैं हमने पहले कहा कि अभी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पता करें कि किस वजह से इन परिवार का कंडक्ट क्या है जी अगर परिवार का आच, आचार व्यवहार बिल्कुल ठीक है तो उसके हिसाब से वो अपनी एफआईआर जो है दर्ज करेंगे और वो एफआईआर जब मजिस्ट्रेट अप्रूव करेगा उसी के बेस पे जो गिरफ्तारी होगी वही सही है ये नहीं कि भी पुलिस ने किसी भी महिला ने अपनी रिपोर्ट कराई और उसके बाद जो है ए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई नहीं चले। ये बिल्कुल गलत चीज है क्योंकि परिवार में बिल्कुल पर पर नहीं अब, नहीं। अब, 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 अपना अपनी बात रखने का मौका जरूर मिल मौका मिले कॉलर जुड़े हमारे साथ अरुणा जी आपको रुक करेंगे वापस बनारस से रेखा हमारे साथ जुड़ रही है आई जानते वो क्या कहना चाहती है नमस्कार रेखा जी हाँ जी मैडम जी नमस्ते जी जी मुझे ये कहना है कि हम औरतों के पास एक ही कानून था इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जी तो अब हम कहा जाएंगे अब जो हमें पति थप्पड़ मारता है सास गालियाँ देती हैं ससुर प्रताड़ित करते हैं इनका हम सबूत कहाँ से इकट्ठा करेंगे रेखा जी शायद आपको मालूम नहीं है कि इस कानून को ह, हटाया नहीं गया जी हाँ इसमें इसमें कुछ बदलाव किया गया है क्योंकि नाजायज इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था इसका महिलाओं ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया था होता है जो मुंह से गाली सबूत हम कहां से लाएंगे? जी चलिए आपकी समस्या के हल स्वरूप सरकार जी के पास लेकर जाते हम, आपका सवाल उनसे जानते जो हैं कि उनका सास बहन किधर से ले आएंगे देखिए गाली गलाज अलग चीज है फोर नाइनटी एट बनाया गया है जिसका मकसद था आपको पर इतना अत्याचार हुआ जो आप बढ़ने वाले है वो एक्सट्रीम सिचुएशन में गाली गलाज इसके लिए मैडम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लॉ आपके लिए बना है आप तो गाली दे देंगे हस्बैंड को हस्बैंड के लिए कोई लॉ नहीं है आपके पास डाउड़ी एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सीआरपीसी 125 है सेक्शन 24 है हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं है इस केस में ये बोला आपने कोई केस दर्ज कर दिया तो आप उसको सबूत और विटनेस ले आइए नहीं तो उसको अरेस्ट मत कीजिए आपका केस रजिस्टर होगा उसके बाद पुलिस क्या करेगा इन्वेस्टिगेट करेगा आपको भी मौका मिलेगा आपका स्टेटमेंट देने के लिए उसके बाद आपका स्टेटमेंट सही पाया जाए तो डेफिनेटली उनको सजा होगा लेकिन पहले क्या हो रहा था आपने जो बोल दिया पुलिस ने रजिस्टर कर लिया हस्बैंड को और उनका फैमिली को अरेस्ट कर लिया उसके बाद कोर्ट में जाके हस्बैंड एविडेंस दिया कोर्ट बोला नहीं नहीं ये गलत है इसलिए आप देखेंगे नाइन्टी थ्री परसेंट चार्जशीट मतलब वो कॉपी पेस्ट करके अपने जो बोला कोर्ट में वही सबूत दे दिया हसबैंड का तरफ से सबूत तो कोई दिया नहीं जब वो बोला कोर्ट में जाके दाओ हसबैंड जब कोर्ट में गया पाँच साल दस साल वो लड़ाई किया कोर्ट उसको मुक्त कर दिया लेकिन वो चीज़ जो है अभी पुलिस लेवल में होगा तो कोर्ट में जाके जो जेन्युन केस है वो आ, केस को ज़्यादा ज़्यादा मतलब कोर्ट उसको चार सौ अट्ठानवे मुकदमा दर्ज होने के बाद पहले सिर्फ एक ही चारा था कि मुकदमे का सामना करे क्योंकि समझौते का तो प्रावधान ही नहीं था जगदार खान साहब आपको रुक करेंगे हैं यहाँ पर हम पुलिस की हमने बात की पुलिस फटाफट गिरफ्तारियां करने लगती है क्योंकि यही काम होता था पुलिस का उसके बाद इस बीच रिश्वत भी बहुत बड़ी कॉलर लेते हैं खान साहब उसके बाद आपका रुख करेंगे मनोज जुड़े हमारे साथ जी मनोज साहब नमस्कार नमस्कार मैम जी क्या कहना चाहते हैं मनोज जी मैम मैं ये कहना चाहता हूँ की आज महिलाओं के प्रति अपना कानून बनाया है इसका मीट्यू ज्यादा हो रहा है जी इसीलिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कुछ बदलाव किया है इस कानून में आपको मालूम है ये चीज जी yes, क्योंकि अगले मतलब जो को, को तो yes, 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 जावेद खान साहब आप करेंगे वापस हम जैसे कि मैंने बताया कि गिरफ्तारियां करने लगती है पुलिस इस बीच रिश्वत का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ा क्योंकि गैर जमानती धारा है जमानत भी नहीं होती इस धारा में तो एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो समझिए आप मुकदमे का ही सामना करते रहेंगे बिल्कुर। उसके बाद लगातार कई सालों तक तो अब इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए कि रिश्वतखोरी कम हो जाएगी कम से कम बिल्कुल हो जाएगी एक्चुअली क्या है कि अगर सही तरह से जांच होगी और सही तथ्यों के साथ कोई भी मामला मैं इसमें इस उसमें इस भी नहीं हूँ कि जो लेडीज़ हैं उनके साथ कोई अन्याय हो या मतलब खासतौर से पत्नियों के साथ अगर उनके साथ वाकई अन्याय मतलब उनके साथ दहेज के संबंध में प्रताड़ना की गई है तो उसमें उनको पति और उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन सही लोग मतलब जो वाकई अभियुक्त हैं जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा मिलेगी तो उससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा नहीं तो होता क्या है ज़्यादातर मामलों में आज परिवार टूटने की नौबत आ रही है और इस चीज़ को हमें रोकना है परिवार बचाना जो है वो एक हम हम लोगों का अहम उद्देश्य होना चाहिए और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिशा में सोचकर ये वाला इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है इसके पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस तरह के जजमेंट दिए हैं अब क्या है यूपी में तो एंटीसिपेटिव बेल ही नहीं थी तो उसमें होता क्या था कि आप सीधे हाईकोर्ट ही आप अप्रोच करेंगे और हाईकोर्ट के अप्रोच के, के बाद ही उसमें आपको कुछ राहत मिल पाती थी जो पुरुष होते थे तो अब कम से कम एक नौबत ऐसी आएगी हालांकि बीच में मजिस्ट्रेट लेवल पर भी ये हो गया था कि अगर जमानत के लिए जमानत से पहले तो मीडिएशन ही होता था और मीडिएशन के बाद अगर जमानत एप्लीकेशन मूव की जाती थी तो उसमें वो फिर दोबारा मीडिएशन के लिए भेज सकते थे या एंट्रीम जमानत का भी प्रावधान किया गया था तो यूपी में हालांकि मैं समझता हूं थोड़ी राहत थी अभी तक और इससे और और ज्यादा राहत हो जाएगी जी चलिए अरुणा जी का रुख करेंगे यहां पर हम अरुणा जी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं ने गलत इस्तेमाल किया इस कानून का कई छोटी-छोटी चीजें हुई घर में उसे लेकर भी 498 ए दर्ज करा दिया यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश अब देना पड़ा आपको क्या लगता है अरुणा जी अगर छोटी चीजों के बजाय वाकई जब उनके साथ इतना गलत हो रहा हो कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था वो चीजें झेल नहीं पा रही थी तब इस धारा का इस्तेमाल करना चाहिए था क्योंकि जैसे स्वरूप सरकार जी ने बताया इससे पहले और धाराएं हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है डाउरी एक्ट है उनका इस्तेमाल करने के बजाय सीधे चार ए पर आ गई अरुणा जी देखिए घर में तो बहुत सी बातें होती हैं कोई कहीं पत्नी ठीक है तो कहीं पति ठीक है लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते या एकदम 498 नाइन्टी एक, ए, ए जो है खाली इसका सॉल्यूशन यही है ऐसा नहीं होता है क्योंकि औरत को तो वैसे भी सहन शक्ति की ए, सीमा माना गया है अगर औरत सहन शक्ति की सीमा है लेकिन अगर लोगों के बहकावे में आकर वो किसी भी तरह का गलत कदम उठा लेती है तभी जो है ये गलत मामले जो झूठे मामले हैं वो कोर्ट में आते हैं अगर हर स्त्री ये सोच ले कि भाई जो सही है वही सही है जी। गलत इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी कानून जब बनाया जाता है वो आपकी सुरक्षा के लिए है आपकी रक्षा करने के लिए है ये नहीं है कि अगर इसमें इस कानून में थोड़ा बदलाव आया है तो इसकी वजह से है महिलाओं को सुरक्षा कम होगी नो ये ये बात बिल्कुल नहीं है बल्कि इस कानून को सही इस्तेमाल किया जाए ये कदम इसी दिशा में उठाया। जी बिल्कुल गया है। एक कॉलर जुड़े जी हमारे साथ तो उनका रुख जान लेते हैं पहले महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र जुड़े हैं जी नमस्कार सुरेंद्र साहब हाँ जी राम राम जी क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहता हूँ जी बोलिए सुरेंद्र जी अपनी टीवी की आवाज आप कम कर लें तभी बातचीत हो पाएगी टीवी की जी हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नया जो कानून पास किया है बहुत अच्छा किया जी जी तो आप खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चलिए सुरेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है क्योंकि इस कानून का दरअसल कुछ ज्यादा ही गलत इस्तेमाल हो रहा था एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर फॉरेन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आगे बढ़ने से पहले शकुंतला जी की राय लेते हैं रोहतक से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं शकुंतला जी नमस्कार नमस्कार मैडम जी क्या जी? बहुत ही अच्छा किया है ये कानून में बदलाव करके कोर्ट ने जी। एक बार की छोटी सी बात बताऊ मेरे दो बेटे है बड़े की शादी हुई है तो बड़ा बेटा और बहू छोटा बेटा तीनों जा रहे थे कहीं तो बहू ने किसी बात बात में कह दिया कहती है अगर कोई बात होगी तो मैं भेज का केस कर दूंगी तो मेरे बच्चे बहुत बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को जी और थी भी हमारे लिए कोई मायने शकुतला जी शकुंतला एक महिला होकर आप मान रही हैं कि ये जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही आया क्योंकि बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा था इस धारा का इस कानून का बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी आपका हमारे पास कॉल करने के लिए स्वरूप सरकार जी आपका रुख करेंगे हम यहाँ पर लेकिन उससे पहले जान लेते हैं की दरअसल क्या है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आइए जानते हैं यहाँ दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है चार ए पर वही हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाएगी ऐसे तिरानवे फीसदी मामलों में आरोप पत्र दायर हुए जबकि मात्र पंद्रह फीसदी में दोष साबित हुए पुरुषों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दहेज प्रताड़ना से जुड़ा कानून गैर जमानती है इसलिए लोग इसे हथियार बनाने लगे हैं दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके लेकिन कई बार लोग इसे गिरफ्तारी का हथियार बना लेते हैं वर्ष तो 2012 में धारा चार एक के तहत एक लाख सतानवे हजार लोग गिरफ्तार हुए उनमें से करीब एक चौथाई मामलों में आरोपी की मां और बहनों को भी गिरफ्तार किया गया तो ये वो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए दलीलें भी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिरकार क्यों बदलाव की जरूरत है एक कॉलर ओम प्रकाश जुड़े हमारे साथ उनका रुक कर लेते हैं पहले प्रकाश जी नमस्कार, नमस्कार जी, जी मैडम जी, जी मैं, जी। जी मैं ए, इस कानून से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैम इस बदलाव से खुश हैं आप इस कानून में ओम प्रकाश जी आप मैडम जी मैं ए, इस कानून से बहुत खुश हूँ मैडम मैडम मैं ए, इतना खुश हूँ क्योंकि मैडम ओम प्रकाश जी आपकी बात आप आपकी बात हम तब समझ पाएंगे जब अपनी टीवी की आवाज आप कम करेंगे और जल्दी से अपनी बात कहेंगे मैडम जी मेरी फिर मतलब बहुत ज्यादा इसे भेज के लिए नाजायज कम कम ना नहीं हो पाएगा उनके साथ बहुत 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 आपका कॉल करने के लिए स्वरूप सरकार जी आपका रुख करेंगे इससे पहले महिला कॉलर जुड़ी थी हमारे साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्योंकि महिलाएं महिलाओं की भी दुश्मन हो गई एक तरीके से पति की माँ को बहन को भाभीियों को भी लपेट लिया जाता है अक्सर इस कानून के तहत मैम इसमें मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ ने बोला था मुझे गाली दिया मैं फोन नहीं लगा पाऊंगा लेकिन देखिए कितना गलत फहमी बहरा गया है फोन गाली गलाज छोटे मोटे चीज के लिए नहीं है।, फोन के लिए जी। है लेकिन लोगों का ऐसे लगता है कोई भी छोटी बात हो फोर नाइनटीटे लगा दो और इसके वजह से कोर्ट उसको साझा नहीं हो रहा है ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है हमारा पास केसेस है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग आजकल जो है उमरना छोटी मोटी बात हुआ वो नहीं बोलते हैं जब आपको पर फोन नाइनटी एटी की दहेज का केस लगाऊंगा वो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर झूठी केस लगाऊंगा खुद ही बोलती है झूठी केस लगाऊंगा तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए जब आप कोई सख्त कानून बनाते हैं जिसमें भारबल स्टेटमेंट में मतलब आपका मौखिक एलिगेशन में किसी को क्रिमिनल बनाया दिया जाते हैं और उसको नॉन बेलेबल बनाया दिया जाता है वो बहुत खतरनाक हो जाती है जी। और वही चीज टाटा पोटा पे भी हुआ था ठीक है ना बाद में गवर्नमेंट को उसको संशोधन करना पड़ा तो ये जो लॉ है इसको बिल करना है तभी ये हंड्रेड परसेंट बंद होगा और इसके लिए हम पार्लियामेंट जाएंगे आएंगे आपके पास एक कॉलर नवीन नदीम जुड़े हमारे साथ जी नदीम जी प्रदीप ये कॉलर जुड़े हमारे साथ प्रदीप जी नमस्कार

वो कहते हैं कि हमारे को जैसे गाड़ी मिली है आपको गाड़ी नहीं मिली वो लड़की को तंग करना शुरू कर देते हैं परेशान करते हैं लड़की को फिर आगे अगर किसी का अगर आने जाने में या दिक्कत होती है इतना किराया नहीं होता कई बार उसको भी गाड़ी देनी पड़ती है चाहे वो अपनी जमीन करके चलिए प्रदीप तो, जी आप, आ, आपकी बात समझ रहे हैं हम बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जावेद राज खान साहब आपका रुक करेंगे हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कहा कि तिरानवे फीसदी मामलों में से पंद्रह ही सच सामने आते हैं बाकी ज्यादातर मामले फर्जी होते हैं या फिर यूं कहिए कि उतने लेवल के नहीं होते जिन, बोड़े जिन बोड़े। पर चार सौ अट्ठानवे ए का इस्तेमाल किया जाए तो आपके सामने हजारों केस ऐसे आते होंगे आपसे जानना चाहते हैं हम खान साहब यहाँ पर कि ये जो आप मीडिएशन का काम करते हैं फिर इस बदलाव के बाद जो फर्जी मुकदमे जो हैं वो बड़े पैमाने पर रिमूव होने में मदद मिलेगी बिल्कुल ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि मीडिएशन जो है एक बहुत अच्छा प्रोसेस है मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि मीडिएशन प्रोसेस और मीडिएशन uh, मूवमेंट को जितना आगे बढ़ाया जाएगा इसमें और आगे चलकर इसमें जो साइकोलॉजिस्ट uh, होते हैं उनकी मदद ली जा सकती है या रीहेबिलिटेशन काउंसलर होते हैं उनकी मदद ली जा सकती है इसमें एक वक्त मिल जाता है कि हो सकता है कि बड़ा छोटे छोटे से एग्जांपल होते हैं कि पति पत्नी में साहब साहब खान, तकरार, जी, खान वक्त कम है जब जी, जी, जब आप ये प्रोसेस पूरा करते हैं मीडिएशन का तो जो पति जो गिरफ्तार हो चुके हैं या उनके परिवार वाले ऐसे लोगों में से कुछ आ पाए आपके नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोसेस जो हमारे यहाँ यूपी में चल रहा है उसमें ये उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है ये गिरफ्तारी से और उससे पहले का एक प्रोसेस है कि अगर परिवार में कुछ और रीजनस हैं तो उनको पता करके उसके बारे में आपस में बातचीत करा कर उस परिवार को बचाया जा सके उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो पुलिस बाद में अमल में लाती है चलिए कुल मिलाकर आखिरकार इस फैसले पर आपकी राय क्या है अगर हम चंद शब्दों में जाने तो देखिए मैं बहुत मध्यम वर्गीय राय दूंगा मैं ये हुँ. मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वाकई जिनके साथ प्रताड़ना होती है कि उनको न्याय ना मिले लेकिन जिनके साथ झूठे तौर पर उसमें खासतौर से जो मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने भी जहाँ इशारा कराया वो उन पर किया है जो बैड रिडिन जो मतलब दादी दादा जी, हैं जी। या विदेशों में रहने वाली उनकी बहने उनकी बहनें हैं तो ऐसे लोग जिनका उस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो बिल्कुल अलग हो चुके हैं अब होता गया जनरली हम लोग आजकल देखते हैं एक ट्रेंड कि बेदखली का ट्रेंड बढ़ गया हाँ। यानी माँ बाप शादी ने शादी करी और उसको बेदखल कर दिया किसी बात पे। से बच पाए जी तो कम से कम समाज में जो ये दरारें आ रही हैं समाज आज भी भारतीय समाज जो है

अरुणा दोनों की सुरक्षा के लिए एक ही चीज़ बहुत सही होगी कि जब भी कोई परेशानी विवाहित बंधन में आती है उस परेशानी को दोनों पार्टियां मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एक दूसरे की बात का उसको समझें जी अगर दोनों पार्टियां आपस में मिलकर एक दूसरे की बात सुनेंगी समझेंगी तभी इस तरह के रिश्ते जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, स्वरूप सरकार जी जाते जाते आपकी भी राय इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया अभी ये लॉ मेकर का हमारा पार्लियामेंट का काम है हस्बैंड वाइफ को चेंज करके कीजिए गाली बीबी दे तो गाली होता है हस्बैंड भी गाली दे तो गाली होता है तो साझा दोनों को ही होना चाहिए नंबर टू जो भी केस झूठा पाया जाता है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जितना पावर था पुलिस और मजिस्ट्रेट को तो उन्होंने बोला साझा कर देंगे लेकिन जो झूठी केस डाल रही है जी।

हथियार बन गया महिलाओं के लिए लेकिन इस बदलाव के ने कानून में इस बदलाव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उम्मीद दी है उन लोगों को जो बिला वजह इस तरीके के मुकदमों में पिस रहे थे और जैसे कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि अगर ये मुकदमे फर्जी पाए जाए तो जिन्होंने ये मुकदमे किए हैं उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि हमारे देश में ये जो सिस्टम है ये जो सामाजिक जो ताना बना है वो सही तरीके से आगे बढ़ता रहे और नाजायज आदमी को सजा ना मिले नाजायज जिसने नहीं किया उसको सजा ना मिले जिसने गलती की है सजा उसी को मिले फिलहाल हमारे साथ मेरी इस खास पेशकश में इतना ही दीजिए इजाजत लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पल्स हरियाणा एक्सप्रेस नमस्कार